ट्रैफिक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इंदौर शहर के मुख्य चौराहे पर पटाखे फोड़ने वाली करीब 20 बुलेट टू व्हीलर वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए समझाइश दी और कहा कि बुलेट के साइलेंसर में पटाखों की आवाज से जनता में भय का माहौल बना हुआ है, इसी वजह से एक्सीडेंट शहर में ज्यादा हो रहे हैं। दरअसल इंदौर शहर में बढ़ती बुलेट की तादाद से एक बार फिर इंदौर शहर में पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। बुलेट होना गुनाह नहीं है, लेकिन बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों से आम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक किसी बुलेट वाले वाहन चालक ने पुलिस विभाग के बड़े अफसर के सामने बुलेट वाहन से फटाका फोड़ दिया, जिसके बाद तुरंत वायरलेस पर ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया कि फटाके फोड़ने वाली बुलेट पर कार्यवाही शुरू की जाए, जिसके बाद इंदौर शहर के मुख्य चौराहे पर फटाके फोड़ने वाले बुलेट पर पुलिस ने चालानी कार्यवाही शुरू कर करीब 20 से ज्यादा बुलेट पर चालानी कार्यवाही की। वहीं बुलेट चालक इस कार्यवाही से बचते हुए भी नजर आए। ट्रैफिक एएसपी रणजीत सिंह देवके का कहना है कि इंदौर शहर के मुख्य चौराहों पर जो बुलेट से फटाके फोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार चेकिंग की जाएगी, जिसमें साइलेंसर के द्वारा आवाज निकालने पर बुलेट से चिंगारी भी निकलती है और आग लगने का डर भी ज्यादा रहता है। फिलहाल लगातार फटाके फोड़ने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई और कितने गाड़ियों पर कार्रवाई की गई? कल वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश दिए गए थे कि शहर में बुलेट वाहन में फटाके आवाज करके बहुत सारी घूम रही है, उसी के तारतम्य में निर्देश में कल हमने शाम के टाइम में इंदौर शहर के अधिकांश चौराहे पे ये बुलेटों की चेकिंग की गई है और विशेषकर पलाशिया चौराहे पे स्वयं मैं उपस्थित था। वहाँ पे जितनी बुलेट निकली उसको चेक किया तो कई बुलेट में साइलेंस चेंज करके और उसमें फटाका जैसी आवाज़ आने की वो लगवा लिया, उसमें चिंगारी भी निकल रही थी, जिसमें एक्सीलेटर जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ाएंगे और जो बटन लगा हुआ है उसको आगे पीछे करें तो फटाके की आवाज़ आती है। फटाके की आवाज़ होने से आम जनता जो जा रही है उससे भय उत्पन्न होगा और अगर वो फटाके जैसी आवाज़ आएगी तो दूसरे वाहन चालक भी उससे भयभीत होकर गिर सकते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है उससे। इसी कल हमने लगभग 20 से 21 गाड़ी के चालान करवाए हैं, आज भी कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाई करेंगे। और इस तरह के जो नई गाड़ी में मॉडिफाइड कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन और मोटर व्हीकल के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या सर, किस तरीके की आवाज़ रहती है ये फायर आर्म्स की? इसकी जैसे फटाका फूटता है उस टाइप की आवाज़ रहती है उसकी, वो फट फट फटक की आवाज़ आती है और जैसे जैसा बटन आगे पीछे का बजता जाएगा। वो कंपनी वालों को भी कुछ नहीं, कंपनी की तरफ से उनने सही गाड़ी दी थी, इनने अपने अपनी तरफ से मैकेनिक पर ले जा किस तरह से मॉडिफाइड किया है इन लोगों ने। कितने चौराहे को हो रही है कार्रवाई? आज भी हमारे शहर के जितने मेन चौराहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है इसमें।